सेंस मैंने को सोचा नहीं था कि मेकअप मैं किस तरह का करूंगी, लेकिन जब मैं करने के लिए बैठी तो मैंने सोचा कि अच्छा ये लगाया जाए, अच्छा ये लगाया जाए, अच्छा ये लगाया जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं होने लगी हूँ रेडी, आज है मेरी कज़न की बर्थडे, तो बस उसके हिसाब से लाइट लाइट सा मेकअप करेंगे और फटाफट से रेडी होंगे और कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना सामान निकाल लिया है और अभी एक बेड लेग होगी। मेरा बहुत ही फेवरेट जो था ना फेस पाउडर, वो टूट गया है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इसको दिखाते हुए कि ये टूट गया, और ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली में गिरे तो ये दोनों साथ हैं, लेकिन देखिए कितना मजबूत है, सिर्फ ये टूटा है इसका, लेकिन ये ठीक है, ये मेरा फेवरेट है, लेकिन ये टूट चुका है। तो खैर स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप, इतने से मेकअप के साथ। कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए हैं, बस अब मेकअप करते हैं स्टार्ट फटाफट से। सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी मॉइस्चराइज़र लेते हैं। यहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा हुआ है तो फटाफट से हम पहले कोई मॉइस्चराइज़र लगाएंगे फटाफट फटाफट से। आज की एक सिंपल सी टिप ये है कि मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है नॉर्मल टेम्परेचर के जो वाटर होता है उससे, या तो भी थोड़ा ठंडा पानी होता है उससे, ताकि जो आपके जो मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जो रहे। मोस्टली ऐसा होता है कि मेकअप करने के बाद ना आपके पैचेस बन जाते हैं, तो अगर ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो नहीं बनेंगे। कंसीलर मैंने लगा दिया, मैं लगाऊँगी फेस पाउडर। मैंने तो अभी नोट किया कि मेरी हेयर, इग्नोर इट। अब मैं कोई भी ब्राउन शेड लूंगी और आईज की लिड के ऊपर लगाऊंगी ब्राउन शेड। लगा लिया मैंने, मेरे पास है ये ब्लू कलर की पेंसिल और मैं इसको आईज के नीचे लगाऊंगी। पानी आ गया। अच्छा, मैं आज लाइनर नहीं लगाऊंगी, ना ही कोई विंग बनाऊंगी। मैंने हल्का सा ब्राउन शेड लिया था और वो मैंने आईज के लिड पे लगाया था। अभी ये जो मेरा फेवरेट ग्लिटर है, मैं इसमें ये वाला शिमरी शेड लूंगी और हल्का सा अपनी आईज के ऊपर लगाऊंगी। ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। पता नहीं कैमरे में आ रहा है या नहीं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अभी ये मैंने बैठे बैठे सोचा कि मैं ये वाला मेकअप क्यों नहीं करती। देखें, ओह वाओ, कितनी खूबसूरत आईज लग रही है ना। वाला सेम यहाँ पे अप्लाई, इसको लगाने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी आईज ऐसे कंप्लीट नहीं लग रही, मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा लाइनर भी लगाऊं। तो मैं लाइनर नहीं लगा रही, मैं फिर ऐसा करती हूँ कि ये ब्लैक पेंसिल है, इसको मैं आईज के ऊपर वाली साइड पे लगाती हूँ, यहाँ पर। डिफरेंस है करें, ये आईज छोटी लग रही है और ये बड़ी लग रही है। अब देखें फर्क, देखें दोनों में, ये बड़ी लग रही है और छोटी। मैंने यही वाला, मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा है, मेरे पास ना स्टैंड है पर वो टूट गया है अभी। तो फिलहाल मैंने ये ब्लैक पेंसिल को हल्का सा यहाँ पे लगाया रफली, और अब मैं इस ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड करूंगी। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से ब्लेंड, नीचे से पहले करेंगे और बाद में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसको। जबरदस्त, देखिए अब बारी है मस्कारा की। मस्कारा लग चुका है, अब बारी है ब्लशन की। ब्लशन एज यूजुअल मैं ये वाला ही यूज करने वाली हूँ क्योंकि ये है मेरा फेवरेट। इसमें दूसरा वाला भी है पर ये मुझे तो ज्यादा पसंद है। हाइलाइटर
लिपस्टिक को हमेशा लास्ट में लगाना चाहिए जब आप अपना आउटफिट पहन लें, ताकि आपकी जो मेकअप है और आपका आपकी जो ड्रेस है उसके साथ आपका लिप कलर मैच करे। तो ये मैंने ड्रेस पहन लिया था और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये साइड पर आउटलाइन, और उसके बाद मैं अब लगाऊँगी लिपस्टिक। जी कहाँ है लिपस्टिक, ये वाली। चलो ये वाली लगाते हैं और देखते हैं कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ये लिपस्टिक लगाने के बाद। लगाने से पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन लगाने के बाद इसको मैंने दो शेड में मर्ज किया, फिर जाके अच्छी लग रही थी, क्योंकि मेरा मेकअप बहुत लाइट और लिपस्टिक बहुत डार्क लग रही थी। हियर इज माय फाइनल लुक, लुक एट माय मेकअप। मैंने बास बनाए नहीं है, मैंने कुछ हेयर स्टाइल इतना परफेक्टली, मैंने बस हल्का हल्का बाल को लूज से कर्ल्स डाल दी विदाउट स्प्रे, फिर भी देखिए कितने अच्छे मेंटेन हुए। मैं अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के मजेदार से टिप्स और मिल सके। और ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मेकअप मैं किस तरह का करूंगी, लेकिन जब मैं करने के लिए बैठी तो मैंने सोचा कि अच्छा ये लगाया जाए, अच्छा ये लगाया जाए, अच्छा ये लगाया जाए। पहले से कुछ प्री प्लान नहीं था, सब सडन हुआ। तो खैर मेकअप मेरा बहुत अच्छा हुआ है, आई होप आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।